नमस्कार। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के YouTube चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रचारक और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक रहे स्वर्गीय दत्तोपत ठेंगड़ी जी ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा। इस पुस्तक में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके विचारों के बारे में और साथ ही उनके द्वारा रचित बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी ज्ञान उपलब्ध कराया है। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व को समझने के लिए यह पुस्तक बहुत प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराती है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि लेखक ने सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों को साक्ष्यों के साथ संकलित करने का काम किया है। 19वीं शताब्दी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में सामाजिक सुधारों की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के लोकप्रिय नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने अपने बचपन से ही अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों का सामना किया। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक उन्हें अनेक बाधाओं और अपमान का सामना करना पड़ा। उनके एक शिक्षक कृष्ण केशव महादेव अंबेडकर ने उन्हें अपना उपनाम अंबेडकर दिया था। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति प्रदान की, जिसके बाद वह अमेरिका गए, जहां उनके शिक्षकों ने उनके बारे में कहा कि यह छात्र भारतीयों में ही नहीं बल्कि अमेरिकी छात्रों में भी सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा से उन्हें बहुत लगाव था, मगर वह अपने स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ पाए, मगर बाद में उन्होंने स्वयं संस्कृत सीखी और संस्कृत के साहित्य का गहन अध्ययन भी किया। देश की आजादी से पूर्व जाति व्यवस्था के भेदभाव को लेकर उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बाबा साहब का कहना था कि सभी जातियां हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए सभी जातियों एवं वर्गों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बाबा साहब ने हमेशा सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा उन्हें दूर करने के लिए अनेक सत्याग्रह चलाए। स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान उन्होंने देखा कि किस तरह मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र पाकिस्तान की वकालत कर रही है। उनकी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में फंसे दलित समाज किसी भी हाल में भारत आ जाने चाहिए। वामपंथियों के बारे में वह लिखते हैं कि गरीब मजदूरों का शोषण करने वाले कम्युनिस्टों का मैं कट्टर दुश्मन हूँ। सन 1939 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर संघ के एक शिक्षा वर्ग में आए, जहाँ उन्होंने देखा कि संघ के स्वयंसेवकों के बीच बड़ी संख्या में अनुसूचित वर्ग के युवक भी शामिल थे। संघ की यह व्यवस्था देखकर वो बेहद खुश हुए। भारत का संविधान तैयार करते समय बाबा साहब ने 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों वाला संविधान तैयार करने में महती भूमिका निभाई। 3 जुलाई 1947 को वह एक कार्यक्रम में मुंबई गए, जहां उन्होंने कहा कि यदि देश में जनमत भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए होगा तो वह संविधान की ध्वज समिति के समक्ष इस विषय को जरूर रखेंगे। इस पुस्तक के अध्ययन से हमें डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं उनके व्यक्तिगत विचारों का पता चलता है। देश और समाज के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। यह पुस्तक उनके प्रेरणादायी विचारों एवं विभिन्न प्रसंगों का अमूल्य संग्रह है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अध्ययन करने के लिए यह पुस्तक अत्यंत शोधपरक जानकारी उपलब्ध कराती है। लोकहित प्रकाशन से प्रकाशित इस पुस्तक की कीमत मात्र 350 रुपये है। अगर आप सचमुच डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके विचार और उनके व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं तो आपको यह पुस्तक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए।
हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक लेते हैं शुभ विदा, नमस्कार।